ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चुकी है सिंगर्स, बेसुरी सिंगर्स, तो आप लोग सुन सकते हैं। अच्छा जी, ओके गाइस, तो हम सब की तरफ से और यहाँ मेरी अम्मा शीर खुरमा की वीडियो, वो वीडियो बोल रही यार, ट्रे लेकर आई है। जिस जिसको खानी है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को भिजवा दूंगी। यहाँ पर इतिया बढ़ना स्टार्ट हो गई है भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वाह वाह वाह, और ये सारे मेरे देख सकते हैं आप लोग गाइस, ये सारे मेरे मेरे के साथ। कैसी है आप? बड़ा तैयार शेयर कर रही है आप तो, खैरियत? कहाँ शादी में जा रही हो बेबो? शादी में जा रही हो हैं? फूफो के घर? कौन सी वाली फूफो के घर? सो गाइस, ये तीनों ईदी का एक साथ मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है, तो ये तीनों ईद का ही व्लॉग है। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट ईद का है। तो हम लोग यहाँ चिप्स वगैरह खा रहे थे और उसके बाद यहाँ डिनर हो गया था। तो बहन का फियांस है, वो आ गया था ईद वगैरह मिलने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ डिनर वगैरह करने लग गए थे उसके साथ। तो ये फर्स्ट डे है ईद का, जो ये वाला मैंने शेयर किया है। और बाकी जो भी आगे के व्लॉग्स वगैरह हैं, वो सेकंड एंड थर्ड के हैं। तो फिर ये है सेकंड डे, और मैंने सेकंड डे को ये वाला ड्रेस पहना था, और मेरा आउटफिट इस टाइप का था, वाइट फ्रॉक स्टाइल में था, और इस टाइप में इसकी कढ़ाई वगैरह हुई हुई थी, और ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लग रहा था। और जब मैंने पहना था तो तब भी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी मेरी। सारे ही लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और ये मैंने वीडियो इंस्टा पर अपलोड की थी, तो मैंने यहाँ भी अपलोड कर दी। जाएंगे हम तो तेरे बिजरियादे, तेरे लिए ही बनी हूँ मैं, तेरी डेस्टिनी हूँ। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की बरसात नशीली, तू भी आ कर ले नशा। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मानु बस इंतजार कर रही थी कि ये लोग गाना गा के घर खत्म करें और मैं इन लोगों की बेइज्जती करूं, है ना मानु? ऐसा ही सीन है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? दूसरों को जो खुद होते हैं, जो दूसरों को बोलते हैं ना, महानूर मम्मा कहती है, जो बोलता है वही होता है। तो इसलिए आप हैं ठंडी, ठंडी है, ठंडी है, ठंडा भी केक हमारा हो रहा है, फ्रिज में रखा हुआ है हमने, ऐसी कोई बात। तो ये है ईद का थर्ड डे, और इस दिन मेरे ससुराल वाले आए थे, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस वगैरह भी पहना हुआ है। और ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी थी क्योंकि काफ़ी घर में काम वगैरह चल रहा था, तो इसकी वजह से बस मैंने जल्दी से चेंज वगैरह करके मैं रेडी हो गई थी। तो मैंने इसीलिए ही सारे व्लॉग्स वगैरह भी एक साथ ही एडिट कर दिए हैं, क्योंकि
काफ़ी मतलब ऐसी बोरिंग टाइप ही ईद गुजर रही थी। मतलब पहले दिन तो कहीं जाना ही नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं व्लॉग वगैरह भी नहीं बना पाई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं पूरी तीनों ईदी का व्लॉग एक साथ ही एडिट करके अपलोड कर दूँगी। तो बस मैं यही कर रही हूँ कि मैंने तीनों ईदी का एक साथ ही व्लॉग मैंने एडिट कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा ये व्लॉग। तो जी, इसके बाद यहाँ हो चुका था डिनर टाइम और सारे जो भी मेहमान वगैरह गेस्ट आए हुए थे मेरे ससुराल वाले सारे, तो यहाँ डिनर वगैरह करने के लिए बैठ गए थे। तो डिनर होने के बाद मैं यहाँ किचन में आई थी चाय बनाने के लिए और ये लोग भी मेरे साथ ही किचन में आकर खड़े हो गए थे। और आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग दोनों पागल कैसी हरकतें कर रहे थे। प्यारे लग रहे हैं ना, सूट की मैचिंग के अच्छे लग रहे हैं। कोई नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है कितना गोरा खाते थे। दिखा अपना भी दिखा। वाह लाइबा, तुमने बच्चे को सुना दिया। ये लाइबा आराम से, लाइबा आराम पास हो गया, मुस्कान लाइबा पास हो गई। वाह वाह भाई लाइबा, हमसे तो ये चुप ही नहीं हो रहा था। सीन ऐसा हुआ कि ये मेरी नंद का मुन्ना है, तो वो खाना खा रही थी, सब डिनर कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप आराम से खाना खाओ, इसको हमें दे दो। तो लेकिन ये हमसे चुप ही नहीं हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। लेकिन जब लाइबा मैडम ने इनको गोद में लिया है और लाइबा मैडम ने इस तरह से इनको झूला वगैरह झुलाना स्टार्ट किया है, तो भाई ये तो सो ही गया, मतलब कोई करिश्मा ही हो गया था। बताओ सबकी ईदी कैसे गुजरी है? चलो लाइबा, अच्छा बताओ आपकी ईदी कैसे गुजरी? क्यों नहीं अच्छी गुजरी, लाउड बोल लें थोड़ा। मेरी ईद अच्छी नहीं गुजरी, बोरियत गुजरी। क्यों? कहीं गए नहीं, लेके कहीं भी नहीं गए, कहीं भी ना कोई घूमने गया, कहीं भी नहीं। चलो अच्छा निदा, अब आप बताएं आपकी कैसी गुजरी? बस सेकंड अच्छी गुजरी, थर्ड तो बेकार गुजरी। अच्छा थर्ड बेकार की गुजरी है? थर्ड में दोस्तें भी नहीं आई, मतलब दोस्तों की वजह से अच्छी गुजर रही थी ईद। सही। और सहर आप बताओ, सर आप बताएं कैसी ईदी गुजरी आपकी? अच्छे ज़्यादा बोरिंग, तो तैयार हो गए कि वीडियो के खुद घूमने चली गई थी, मैं नहीं गई, कपड़े तो कर ली। और हमारी आप बताएं आपकी ईदी कैसी गुजरी है? बहुत बहुत अच्छी गुजर रही है। अभी तक तो क्या मतलब ईद गुजर गई है, आज लास्ट ईद की मुझसे पूछे मारिया का, तो मारिया का तीनों दिन गार्डन था। गाइस ये तीनों ईद का व्लॉग है जो मैंने एक साथ एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियो डू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।